अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों और भाइयों, आप लोग देख रहे हैं जिंदगी के दो पलम्बर के साथ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होली कुरान के बारे में। होली कुरान आज के दौर में बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, उनको याद नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उन लोगों के पास टाइम नहीं मिलता है। इसीलिए उन लोगों के लिए एकदम अच्छा सुविस्ता जानकारी लेकर आए हैं, आप लोग से शेयर करना चाहते हैं। तो प्लीज जो सबसे मेरे हम लोग अजीज, सबसे अच्छे, सबसे दिल में बसाने वाले चीज कुरान, कुरान के बारे में आज हम लोग तो साथ सब बात करेंगे और आप लोग बताएंगे कैसे हम लोग सफर में हो, जिस जगह पे हो, जहाँ पे हो, जहाँ भी जाए वहाँ पर भी जाकर कुरान पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कैसे उसको पढ़ना है और सुनना भी है, सुनकर आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं, आप दिल में भी बसा सकते हैं। आइए दोस्तों, पहले चलते हैं प्ले स्टोर में, जाएंगे ऑडियो, कुरान हिंदी ऑडियो लिखना है, कुरान हिंदी ऑडियो। देखिए इसी तरह ये जो लिखा हुआ आ चुका है, जो तीसरा दूसरा नंबर का है वही पहले से मेरा डाउनलोड हो चुका है, तो इसको चलो हम ओपन करते हैं। इसी तरह आप लोग देखिए, एक नंबर में अल फतिया आ गया, दो नंबर में अल बकरा, इसी तरह और सब भी है, जहाँ जितना हो सकता है आपको लोग। तो आइए आप लोग सुनने के लिए सबसे पहले क्लिक कीजिए इस पर और देखिए ऑटोमेटिक बजने लगेगा। सबसे पहले आप लोग को ये उर्दू उर्दू भाषा में, अरबी भाषा में सबसे पहले बोले आवाज़ आएगा, उसके बाद वो ट्रांसलेट करके हिंदी में आएगा। प्लीज़ आप लोग ये ना समझ कर जी हिंदी उर्दू में है तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा, वैसा मत सोच के आप आधे में वो काट सकते हैं, मत काटिएगा, पहले पूरा सुनिएगा उसके बाद में काटिएगा। देखिए इसमें सब बताएगा आपको। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहान का रब है, बड़ा ही मेहरबान और दया करने वाला है, बदला दिए जाने के दिन का मालिक है। हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा मार्ग दिखा, उन लोगों का मार्ग जो तेरे कृपा पात्र हुए, जो प्रकोप के भागी नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। अब इसको यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं किसी में, देखिए अब किस में शेयर करना है, आप इसमें सब में शेयर भी कर सकते हैं किसी में, किसी दोस्त यार में, कोई सलाह लेना चाहता है, कोई एडवाइस लेना चाहता है, उसमें शेयर कर सकते हैं। इसी तरह अब जो अल बकरा है उसमें के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई संदेह नहीं, मार्गदर्शन है उन डरने वालों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं,
जो रोजी हमने उनको दी है उसमें से खर्च करते हैं। जो किताब तुम पर उतारी गई है अर्थात कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले उतारी गई थीं, उन सब पर ईमान लाते हैं और परलोक में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की ओर से सीधे मार्ग पर हैं और वही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। इसी तरह आप लोग इसको सुन सकते हैं मज़ा से, और डाउनलोड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों के पास सबसे।